बार उपेंद्र यादव के पास में जाना चाहूंगा। उपेंद्र, लंबे समय से आप लोगों की डिमांड भी है, संघर्ष भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 75,000 नौकरियों का ऐलान किया है, साथ ही कुछ युवा विधायक हैं, वो इस बात को मुखर कर रहे हैं कि ये लागू किया जाना चाहिए। वो यह भी कह रहे हैं कि आप पुलिस मंगवा लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो राजस्थान के आसपास है, बिहार, महाराष्ट्र, सब जगह पॉलिसी है कि स्थानीय लोगों को पहले उसमें अवसर दिया जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि अब वक्त आ गया राजस्थान में लागू हो ये? योगेंद्र जी, पहले आपके चैनल के माध्यम से पहले भी चर्चा हो चुकी है, हम लगातार मांग कर रहे थे कि बाहरी राज्यों का कोटा राजस्थान के भर्ती में कम हो, क्योंकि आज 50% सामान्य श्रेणी में वो लोग आते हैं बाहरी राज्य वाले, एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो। कई जगह अभी कमलनाथ जी का स्टेटमेंट आया था जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि स्थानीय 70% लोगों को मौका मिलना चाहिए, और ऐसी वो पॉलिसी लेके आ रहे हैं। उसको देखते राजस्थान सरकार को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि बाहरी राज्य वालों को यहाँ रोका जाना चाहिए, राजस्थानीय जो स्थानीय लोगों को ज्यादा ज्यादा फायदा हो, क्योंकि हम लगातार मांग करें। इस संबंध में पूर्ववर्ती सरकार में मई 2018 में हमारी मीटिंग हुई, जिसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, अधिकारी सब लोग थे, हमने अलग अलग राज्यों की पॉलिसी उनके सामने रखे थे, दस्तावेज रखे थे कि इस आधार पे राजस्थान के अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है, बाहरी राज्यों का कोटा कम हो सकता है। लेकिन सरकार चेंज होगी, वो मुद्दा वही गौण हो गया, लेकिन हमने जो समर्थन दिया था वो ये बाहरी राज्य का कोटा कम करने की बात हमने कांग्रेस सरकार के सामने रखी थी, और अब विधानसभा में चाहे राजकुमार शर्मा जी हो चाहे बलजीत यादव जी, उन्होंने बेरोजगारों की जो हमारी मांग कई सालों से चल रही है उसको आवाज को बुलंद किया, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन सरकार को ध्यान देना होगा, ये तो बाहरी राज्य कोटा का मामला होगा। दूसरी बात, जो 75,000 भर्तियों का मामला है उसमें स्पष्ट हमारी यह राय है कि जब तक आप सिस्टम में सुधार नहीं करोगे, हम कह रहे हैं कि कमेटी का गठन करो जिसमें मंत्री हो, कर्मचारी हो, विधायक हो, सॉरी उसमें अधिकारी हो और बेरोजगार हो, क्योंकि वो कमेटी बनेगी, हर महीने उसकी मॉनिटरिंग होगी तो भर्ती पूरी हो पाएगी, अन्यथा जो 2013 की जो भाजपा सरकार ने 5 साल निकाल दी, चाहे विद्यालय सहायक हो, चाहे एलडीसी भर्ती हो, चाहे नर्सिंग भर्ती हो, वो तो 2013 की है। दूसरी तरफ 2018 की वो भर्तियां देख लो जो 50,000 से ज्यादा है, आरपीएससी के अधीनस्थ और विद्युत विभाग की, आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड एसआई और हेडमास्टर का परिणाम नहीं आया, जो अधीनस्थ बोर्ड की ले लीजिए, पशुधन सहायक हो, पीटीआई भर्ती हो, प्रयोगशाला सहायक हो, तमाम वो भर्तियां, चाहे विद्युत विभाग की भर्ती हो, जिसका परिणाम नहीं आया, किसी का परिणाम आ गया, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और किसी का आवेदन नहीं हो पाए, तो ढाके तीन बात है। आज वो भर्तियां लंबित है, भर्तियां तब तक पूरी नहीं होगी जब उनकी मॉनिटरिंग नहीं होगी। तो हम लगातार 1 जुलाई को हमने विधानसभा एक रैली निकाली, हमने मांग की नई भर्तियां निकालो, पुरानी को पूरा करो, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का गठन करो जिसमें बेरोजगार भी शामिल हो, जो हर महीने उसकी मॉनिटरिंग होगी तो भर्ती हो पाएगी, अन्यथा अधिकारियों के लापरवाही की वजह से 75,000 भी जो 1 लाख भर्तियां 2013 की 50,000 और 18,000 के करीब जो 1 लाख भर्तियां जैसे लटकी हुई है, ये भर्तियां भी लटक जाएंगी, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कांग्रेस सरकार को, उन्होंने भर्तियां निकाली, लेकिन भर्तियां पूरी करने के लिए रोड मैप तैयार किया जाए कि कैसे पूरी होगी, इसके एक कमेटी का गठन किया जाए तभी भर्तियां पूरी हो पाएंगी। अब 2 समस्या है, कि भारी राज्य का कोटा कम होगा, इसमें बजट की आवश्यकता नहीं है, कहते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसमें बजट की आवश्यकता नहीं है, भारी राज्य का कोटा कम करोगे तो राजस्थान का व्यक्ति को ज्यादा मौका मिलेगा, पूरे राजस्थान के लोग गुण गाएंगे। दूसरी तरफ एक कमेटी का गठन करें जिससे वो मॉनिटरिंग जी, इसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, बाहर के राज्यों में जहां यहां के अभ्यर्थी जाएंगे उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा फिर? नहीं, अभी कहां ले रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में रोक दिया गया, अभी कमलनाथ जी ने कहा है कई जगह क्या पॉलिसी करके, मध्य प्रदेश में पहले पॉलिसी ये थी कि 25 साल तक के बाहरी राज्य वालों को लिया जाएगा, ओनली 25 साल एज में, एज के हिसाब से रोके थे, उत्तर प्रदेश में दे रखा था कि 5 साल का वहां निवासी होना चाहिए, और अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा में कमलनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं 70% वहीं के लोग लगे। अब महाराष्ट्र में ले लीजिए मराठी भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, ये न कई प्रकार बाहरी राज्य यानी कि राजस्थान का अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है, तो उसी प्रकार हम चाहते हैं कि यहां भी, या तो ये उनका पंजीयन होना चाहिए।